विजय शुक्ला बड़े किस समस्या को लेकर आया आज यहाँ आनंदपुरी वार्ड 20 में लगभग 1000 लोगों के राशन कार्ड दिए गए। कोई जांच नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर राशन कार्ड काटे जाते तो गांधी कॉलोनी के कटते, मंडी के कटते, किसी अन्य क्षेत्र के कटते या पात्रता के आधार पर कटते। अभी जिलाधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है किसी के यहाँ शस्त्र लाइसेंस, पूरे मोहल्ले में किसी के यहाँ शस्त्र लाइसेंस नहीं है, फोर व्हीलर किसी के यहाँ नहीं है, बड़े मकान किसी के नहीं है, सब गरीब आदमी है, विधवाएं हैं, विधवाओं के राशन कार्ड दिए, हजारों लोगों के राशन कार्ड दिए, कोई जांच नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ मोहल्ले में। आप किस किसान से काटे जा रहे, कटते तो अगर राशन नहीं मिलता किसी को ना मिलता, आप किसी को राशन दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा गुंडागर्दी है प्रदेश सरकार के द्वारा। सबके राशन कार्ड दिए, सब लोग परेशान है। आज हम सब जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं जिनके राशन कार्ड दिए गए हैं वो सब लोग हमारे साथ हैं। आज हम अपनी बात को लेकर यहाँ जिलाधिकारी से मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है, इन्होंने कहा है जो अधिकारी गलत पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपके राशन गलत काटे गए हैं आपको राशन मिलेगा। आज ही उन्होंने डीएसओ को फोन करके कहा है इनके सब फीड कराएं, इनको राशन मिले। अगर इनको राशन नहीं मिलेगा, डीलर की कोई, मैं समझता नहीं डीलर की कोई शिकायत है, डीलर ये तो प्रदेश सरकार या डीएसओ के द्वारा गड़बड़ है जो है इसमें। राशन डीलर को तो जो आपने लिस्ट दे दी वो तो उसको बांटेगा, मेरे हिसाब से विभाग के द्वारा गड़बड़ है। विभागीय जांच होगी, इनके नाम रजिस्ट्रेशन होंगे, सबको राशन मिलेगा। आज के बाद अभी हम वहाँ डीएसओ साहब से मिलेंगे, उनके सब राशन चढ़े, सबको राशन मिलेगा, नहीं मिलेगा हम इनके साथ हैं, दोबारा धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, जो संभव होगा वो करेंगे। सबको राशन चाहिए, सबको चावल चाहिए, सबको चीनी चाहिए, सबको गेहूं चाहिए, ये सब गरीब आदमी है, हम सब इनके साथ हैं। मैं विजय शुक्ला, जिला महामंत्री पूर्व भारत।